हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सूरज गुड़गांव ड्रीम व्लॉग्स। फ्रेंड्स, आज जो मैं आपको दिखाने वाला इन्वेंट्री बेसिकली नॉर्थ ईस्ट फेसिंग प्रॉपर्टी है और 204 स्क्वायर प्लॉट साइज है। फ्रेंड्स, इसमें भी चारों फ्लोर अवेलेबल है जो कि आप देख पा रहे होंगे। अभी मैं खड़ा हूँ फ्रेंड्स सेक्टर 22 में गुड़गांव में, और ये इसका हो गया फ्रंट एलिवेशन जो कि देखने में काफी खूबसूरत सा है। अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स इसकी रोड की विड्थ की, तो एग्जैक्टली 12 मीटर की रोड जा रही है। इस तरफ ग्रीन बेल्ट भी है सामने में जो कि आप देख पा रहे होंगे। लोकेशन भी काफी बेहतरीन से बना हुआ है, और इसमें आपको एक गाड़ी की पार्किंग रहेगी प्रॉपर। यहाँ पे बालकनी भी दी हुई है, इसमें ग्लास का काम किया गया है तीनों बालकनी में। और इस तरफ जो फ्रेंड्स यहाँ पे इसमें आयरन का रेलिंग दिया हुआ टॉप फ्लोर पे, इसमें प्राइस काफी इसका रिजनेबल है। इस तरफ जो फ्रेंड्स यहाँ पे इसका लेआउट है, एक बड़ी मैं इस तरफ से दिखाना चाहूंगा आपको कि लेआउट समझ में आ जाएगा कैसा नहीं है। डिजाइन काफी खूबसूरत इस बिल्डिंग का, यहाँ से आप देख लो इस बिल्डिंग की लेआउट काफी प्यारी है। और इस तरफ जो फ्रेंड्स यहाँ देख रहे हो गए, यहाँ पे किचन का गेट दिया हुआ ये वाला, ये इसका हो गया रैंप एरिया। एक गाड़ी की पार्किंग रहेगी इसमें, आपको सामने ग्रीन बेल्ट दिया हुआ है। मूविंग ऑन टू दी स्टिल पार्किंग, ये हो गया इसका स्टिल पार्किंग। यहाँ पे आप देख पा रहे हो गए दो बड़े साइज की गेट मिल रही है इसमें आपको, और यहाँ पे गैस के लिए बना हुआ है प्रॉपर जो कि देखने में ये भी काफी बेहतरीन सा लग रहा है। और इस तरफ जो फ्रेंड्स अगर बात करें इसकी फ्लोरिंग की, तो इसमें प्रॉपर काम किया गया है ग्रेनाइट का जो कि आप देख पा रहे होंगे, काफी बेहतरीन से इन्होंने काम करा है। ये इसका हो गया लिफ्ट एरिया, एलिवेटर एरिया, और इस तरफ आपको स्टेयर केस एरिया दिया हुआ है। 204 स्क्वायर प्लॉट साइज है फ्रेंड्स ये, और ये इसका देख सकते हो वॉल में सारे में ही प्रॉपर टाइल्स का काम इन्होंने करा है। 4000 लीटर का वाटर टैंक कैपेसिटी मिलेगा आपको पर यूनिट इसमें, जिसमें से 3000 जो है यहाँ पे ग्राउंड पे रहेगा, 1000 जो है वो रहेगा टॉप पे टेरेस पे। और ये इसका हो गया इस तरफ भी, यहाँ पे देख पा रहे होगे यहाँ इन्हें टेम्परेरी दिया हुआ, यहाँ पे आपका फेस चेंजर है यहाँ भी, ये बाद में बोर्ड यहाँ से हट जाएगी। मूविंग ऑन टू द फ्लोर एरिया, और यहाँ आप देख पा रहे होगे ये इसका लिफ्ट एरिया है प्रॉपर, सिल्लर की ब्रांड की लिफ्ट आएगी इसमें। ये इसका स्टेयर केस एरिया हो गया, यहाँ पे प्रॉपर काम किया गया है ग्रेनाइट का जो कि आप देख पा रहे होगे। फुटलाइट भी लगी हुई है इसमें, स्टील की रेलिंग का भी काम इसमें इन्होंने करा है जो कि देखने में काफी अच्छा लग रहा है ये। और मूविंग ऑन टू दी फ्लोर एरिया, और जस्ट इसके सामने में ही ये वाला जो है फ्रेंड्स ये लिफ्ट आ रही है, और इसमें भी काम प्रॉपर काम किया गया है मार्बल का जो कि आप ये देख पा रहे होगे, और देखने में भी काफी बेहतरीन सा लग रहा है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स ये हो गया इसका स्टेयरकेस एरिया, इसमें लिफ्ट टॉप तक नहीं आ रही है, फोर्थ फ्लोर तक ही आ रही है। मूविंग ऑन टू द टेरेस, अगर बात करें इसकी फ्लोरिंग की फ्रेंड्स, तो इसमें प्रॉपर काम किया गया है मार्बल का, ग्रेनाइट लगी हुई है इसमें, और लिफ्ट इसमें टॉप तक नहीं आ रही है फ्रेंड्स जो कि आप ही देख पा रहे होंगे। इसमें आपको आयरन की गेट मिल रही है ये जो कि आप देख सकते हो ये, और ये इसका टेरेस एरिया जो कि देखने में काफी बेहतरीन से लग रहा है। इसमें आपको 1000 लीटर का सिंटेक्स मिल रहा है सुप्रीम ब्रांड का, ये आप देख पा रहे होंगे। और इसका टेरेस एरिया हो गया, लोकेशन भी अच्छी है फ्रेंड्स, ये प्रॉपर ग्रीनरी भरा पड़ा है, पेड़ काफी लगी हुई है इसमें। मूविंग ऑन टू द फ्लोर एरिया, गाइज हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज सूरज गुड़गांव ड्रीम व्लॉग्स। फ्रेंड्स, आज जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ इन्वेंट्री, ये बेसिकली नॉर्थ ईस्ट फेसिंग प्रॉपर्टी है। अभी मैं खड़ा हूँ सेक्टर 22 गुड़गांव में, और 204 स्क्वायर प्लॉट साइज है। और फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूंगा कि काफी अच्छे लोकेशन के साथ ये मिल रहा है आपको, और जो फ्रेंड्स इसका जो फेसिंग है ये आपको बताना चाहूंगा कि ये साउथ ईस्ट फेसिंग है, और बैक साइड में फ्रेंड्स आपको साउथ वेस्ट फेसिंग आता है पीछे की तरफ, और ये नॉर्थ ईस्ट फेसिंग प्रॉपर्टी है। और आपको मैं समझाता हूँ लेआउट, यहाँ से आप एंटर किए हो, मैंने बताया आपको कि ये आपको साउथ ईस्ट फेसिंग हो गया, जो फ्लैट में एंटर करते हो आप
ये आपका बड़े साइज का लॉबी एरिया है, ये इसका ड्राइंग रूम एरिया आ गया जो कि आप ये देख पा रहे होंगे। फॉल सीलिंग का काम इसमें वुडन फॉल सीलिंग का काम हुआ हुआ है, लाइटिंग के लिए सारा प्रोविजन दिया हुआ है इसमें। और यहाँ पे फ्रेंड्स ये इसका टीवी पैनल भी मिल रही है इसमें आपको, काफी बड़े साइज के टीवी पैनल का भी काम इसमें इन्होंने करा है। वुडन क्लैडिंग भी इसमें दी गई है। यूपीवीसी की इसमें आपको स्लाइडेड डोर्स मिल रहे हैं, एक मेश डोर, दो ग्लास डोर मिल रहा है, टफन ग्लास का यूज किया गया है इसमें। अगर बात करें इसकी फ्लोरिंग की फ्रेंड्स, तो इसमें आपको इसका डोर का डिजाइन हो गया कुछ जो कि देखने में भी काफी बेहतरीन सा लग रहा है। और फ्रेंड्स अगर बात करें इसकी फ्लोरिंग की, तो इसमें प्रॉपर आपको सेरेमिक वेट्रीफाइड टाइल्स का काम किया गया, टाइल्स लगी हुई इसमें प्रॉपर जो कि आप ये देख पा रहे हो, देखने में काफी खूबसूरत सा लग रहा है ये। इसमें एसी के लिए भी यहाँ प्रोविजन दिया हुआ है। और फ्रेंड्स ये इसका बैल्कनी हो गया, अगर मैं बैल्कनी की बात करूं फ्रेंड्स, तो इसमें प्रॉपर आपको काम किया गया है ग्रेनाइट का जो कि आप देख पा रहे होगे, काफी अच्छा काम करा है इन्होंने। यहाँ पे यूपीसी के सारे डोर्स लगे हुए हैं, वुडन क्लैडिंग भी काम किया हुआ है, सारे आउटडोर्स के सारे प्रोविजन यहाँ पे दिए हुए हैं। रेलिंग की बात करें हम फ्रेंड्स, तो इसमें प्रॉपर आपको ग्लास का काम किया हुआ है जो कि देखने में भी काफी बेहतरीन से लग रहा है। ये इसका रैंप एरिया आ गया, एक गाड़ी की पार्किंग रहेगी, सामने आप ग्रीन बेल्ट है प्रॉपर जो कि आप देख पा रहे होगे। और यहाँ पे भी इन्होंने कुछ वुडन क्लैडिंग का काम किया हुआ है जो कि देखने में काफी खूबसूरत सा लग रहा है ये। एक बार यहाँ से दिखाना चाहूंगा आपको, यहाँ से आप देख सकते हो ये भी देखने में काफी बेहतरीन सा लग रहा है। और मूविंग ऑन टू दी फर्स्ट बेडरूम जो कि लॉबी से कनेक्ट हो रहा है फ्रंट से, और ये इसका फर्स्ट बेडरूम हो गया। अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स इसकी फ्लोरिंग की, तो इसमें सेम आपको टाइल्स का काम किया गया है, वाइट टाइल्स, सारे वेट्रीफाइड सेरेमिक वेट्रीफाइड टाइल्स का काम किया गया है इसमें। और इसमें ये वाला जो एरिया है फ्रेंड्स, ये आपका टीवी, इसमें आपको प्रॉपर यहाँ पे आपकी बेड आ जाएगी, यहाँ पे वुडन क्लैडिंग का भी यहाँ पे काम इन्होंने करा है, फॉल्सिंग काम इसमें हुआ हुआ है जो कि आप देख पा रहे होगे। इस तरफ टीवी पैनल का प्रोविजन यहाँ पे दिया गया है जो कि ये भी देखने में काफी खूबसूरत सा लग रहा है जो कि आप ये देख पा रहे होगे, ऊपर तक इंटैक्ट है। इस तरफ वार्डरोब एरिया आ गया, आपको उसमें स्लाइडर वार्डरोब मिल रही है जो कि आप ये देख पा रहे होगे। अगर हम बात करें फ्रेंड्स इसे टाइल्स के वॉशरूम में फिटिंग सारे जैगवार के रहेंगे, इसमें प्रॉपर को टाइल्स का काम किया गया है, वॉल टाइल्स में लगी हुई है जो कि देखने में काफी खूबसूरत सा लग रहा है फ्रेंड्स ये। और इसमें भी आपको फॉल्सिंग काम हुआ हुआ है, यहाँ पे इस तरफ भी टाइल्स प्रॉपर लगी हुई है। और यहाँ पे इसका वॉश बेसिन एरिया आ जाएगा, इस तरफ यहाँ पे सीट एरिया है, और यहाँ पे शावर एरिया आ जाएगा फ्रेंड्स। और यहाँ पे इस तरफ आप देख पा रहे होगे, यहाँ पे ये वार्डरोब हो गया, इसमें सारे प्रोविजन दिए हुए हैं, प्लेटफॉर्म बनी हुई है, और ये स्लाइडर वार्डरोब फ्रेंड्स। एक बार मैं आपको दिखाना चाहूंगा, इस तरफ भी आप देख लो, एक बार समझ लो क्या है नहीं है। यहाँ पे इन्होंने प्रॉपर दिया हुआ है कुछ स्टोरेज के लिए, ड्रॉअर बनी हुई है इसमें। और मैंने बताया था ये इसका बैक साइड बालकनी हो गया। और अगर बात करूं फ्रेंड्स इसकी फ्लोरिंग की, तो इसमें प्रॉपर आपको टाइल्स का काम किया गया है, स्टील की रेलिंग मिल रही है इसमें आपको जो कि आप ये देख पा रहे होंगे, लोकेशन भी अच्छा है फ्रेंड्स। ये पीछे का स्पेस छोड़ा गया है, जो कि देखने में बेहतरीन सा लग रहा है ये। इसमें आपको एसी के लिए प्रोविजन यहाँ पे दिया गया है, ये इसका डोर का डिजाइन हो गया। मूविंग ऑन टू दी सेकेंड बेडरूम जो कि इस लॉबी से कनेक्ट हो रहा है फ्रेंड्स, अगर बात करें इसकी फ्लोरिंग की, तो इसमें भी सेम आपको सेरेमिक वेट्रीफाइड टाइल्स का काम किया गया है, व्हाइट कलर की इसमें टाइल्स लगी हुई है जो कि आप ये देख पा रहे हो, इसमें भी आपको फॉल्सिंग का काम हुआ हुआ है जो कि आप ये देख सकते हो ये। और इस तरफ आपको वुडन क्लैडिंग का काम इन्होंने करा है कुछ, ये इसका टेक्सचर वॉल हो गया जो कि देखने में भी काफी खूबसूरत सा लग रहा है। और यहाँ पे आपकी बेड आ जाएगी, किंग साइज की बेड। और ये इसका वार्डरोब एरिया, यहाँ पे कुछ रखने के लिए उन्होंने दिया हुआ है बना हुआ, यहाँ पे स्लाइडर वार्डरोब आ रही है प्रॉपर जो कि आप ये देख पा रहे हो, यहाँ पे इस तरफ टीवी पैनल का प्रोविजन दिया हुआ है। एक बार मैं दिखाना चाहूंगा क्या साइज है नहीं है इस पैनल की, यहाँ आप देख पा रहे हो ड्रॉर्स बने हुए हैं सारे, ग्रीन प्लाई का यूज इन्होंने करा है प्रॉपर इसमें। इस तरफ भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ भी आप देख ले, यहाँ पे भी कुछ स्टोरेज के लिए बनी हुई है प्रॉपर ये। और सारे ही फ्रेंड्स ये सॉफ्ट क्लोज हैं जो कि आप ये देख पा रहे होंगे।
और इसका कुछ डिजाइन हो गया इस तरफ से लगता है देखने में, ये जो कि काफी खूबसूरत सा लग रहा है। ये इससे अटैच है फ्रेंड्स, ये वॉशरूम है, अभी इस वजह से मैसी है ये, अभी फिटिंग्स इसमें लगा नहीं है, बट फिटिंग सारे जैगवार करेंगे। अभी मैं आपको एक लेआउट समझाता हूँ क्या नहीं है। यहाँ पे वॉश मशीन आ जाएगी, इस तरफ कमोट और सीट एरिया आ जाएगी, फिटिंग सारे जैगवार करेंगे। ये वाला एरिया इसका शावर एरिया है, टाइल्स प्रॉपर लगी हुई है, फॉल्स हैंग का काम इसमें हुआ हुआ है, विंडो के लिए प्रोविजन दिया हुआ है, एग्जॉस्ट के लिए यहाँ प्रोविजन छोड़ा गया है, जो कि देखने में काफी बेहतरीन सा लग रहा है फ्रेंड्स। ये कनेक्ट होता है पीछे की बालकनी को, मैंने बताया था आपको कि जो ये फेसिंग है वेस्ट फेसिंग प्रॉपर्टी है, प्रॉपर ये बालकनी बनी हुई है, इसमें आपको स्टील की रेलिंग का भी काम इन्होंने करा है, यहाँ पे विंडो दी गई है प्रॉपर, आउटर्स के सारे प्रोविजन यहाँ पे दिए गए हैं, जो कि आप ये देख पा रहे होगे। लोकेशन भी अच्छी है फ्रेंड्स ये। मूविंग ऑन टू दी लॉबी एरिया, अगर बात करें फ्रेंड्स की लॉबी की, तो इसमें सारा ही सेरेमिक वेट्रीफाइड ऑफ वाइट कलर की टाइल्स का काम किया गया है, जो कि देखने में काफी खूबसूरत से लग रहा है ये, जो कि आप ये देख पा रहे होगे। फॉल सीलिंग का भी काम इसमें हुआ हुआ है, लाइटिंग इसमें अभी फंक्शनल नहीं हुई है, और यहाँ पे कुछ वुडन क्लैडिंग का इन्होंने काम करा है, जो कि देखने में अभी काफी बेहतरीन से लग रहा है। ये वाला इसका किचन एरिया हो गया फ्रेंड्स, प्रॉपर इसमें भी टाइल्स का काम किया हुआ है, प्रॉपर ये मॉडर्न किचन बनी हुई है ये, जो कि आप देख पा रहे होगे। इसमें भी फॉल सीलिंग का काम इन्होंने करा है, लाइटिंग की प्रोविजन इसमें अभी फंक्शनल है, जो कि आप ये देख पा रहे होगे। नीचे सारे ड्रॉर्स बने हुए हैं, मार्बल टॉप में लगा हुआ है, प्लेटफॉर्म पे दी गई है मार्बल, यहाँ पे ये ब्रेकफास्ट टेबल बनी हुई है। कॉम्बिनेशन की बात करें हम, तो इसमें हल्का सा वाइट के साथ ही हल्का लाइट कलर का कॉम्बिनेशन दिया गया है इसमें। यहाँ पे अगर बात करें इसकी वॉल टाइल्स की, तो इसमें ऑफ वाइट कलर की टाइल्स लगी हुई है, ऊपर में माइका का वाइट कलर की माइका का यूज किया गया है इसमें, जो कि देखने में ये भी काफी बेहतरीन सा लग रहा है फ्रेंड्स। यहाँ पे आपकी फ्रिज आ जाएगी इस तरफ, जहाँ पे पावर सॉकेट दी गई है, और यहाँ पे आपकी सिंक एरिया आएगी, यहाँ पे सिंक आएगी आपको यहाँ पे, और यहाँ पे आपका चूल्हा आएगा, ऊपर में चिमनी आएगी यहाँ पे, एक बार ये आपको दिखाना चाहूंगा मैं, और देखने में ये भी काफी बेहतरीन सा लग रहा है फ्रेंड्स। सारे हिंजेस इसमें बने हुए हैं, देखने में काफी खूबसूरत सा लग रहा है, और ये इसका प्लेटफॉर्म हो गया फ्रेंड्स। और अगर बात करें फ्रेंड्स की बालकनी की, तो एक छोटा सा बालकनी भी दिया गया है यहाँ पे, और यहाँ पे ग्लास लगी हुई है, मार्बल का काम किया गया है इसमें, जो कि आप देख पा रहे होगे। और इसमें भी आपको यूपीवीसी की एक विंडो एंड डोर का प्रोविजन दिया हुआ है, जो कि आप ये देख सकते हो। और यहाँ पे कुछ इन्होंने फिटिंग्स दिया हुआ है, जो कि देख सकते हो सारे स्टील की दी गई है, सारे बास्केट बनी हुई है, यहाँ पे स्टोरेज के लिए बनी हुई है, ग्रीन प्लाई का यूज किया गया है इसमें भी सारा कुछ, सारे सॉफ्ट फ्लोर है, ऊपर सारे बॉक्सेस बने हुए हैं फ्रेंड्स, एक बड़ी आप देख पा रहे हो ये, और देखने में ये भी काफी बेहतरीन सा लग रहा है। ये आपकी ब्रेकफास्ट टेबल बन गई यहाँ पे बनी हुई है, और यहाँ भी कुछ स्टोरेज के लिए यहाँ प्रोविजन दिया गया है, जो कि आप ये देख पा रहे हो ये, और सारे सॉफ्ट फ्लोर ये, और ये सिंक लगी हुई है, जो वहां पे आपकी सिंक एरिया, ये सिंक वहां जाएगी, प्रॉपर मॉडल किचन बना हुआ है। मूविंग ऑन टू दी थर्ड बेडरूम, अगर बात करें फ्रेंड्स उसकी फ्लोरिंग की, तो इसमें भी प्रॉपर आपको टाइल्स का काम किया गया है, यूपीवीसी के साइड डोर्स मिल रहे हैं, टीवी पैनल मिल रही है, इसमें आपको एसी का प्रोविजन दिया गया है, फॉल सीलिंग इसमें बनी हुई है, और इस तरफ भी आपको विंडो का प्रोविजन दिया हुआ प्रॉपर। अभी इसमें लाइट कम दी हुई है, तब भी देख सकते हो यहाँ भी ग्लास का काम किया गया है, दोनों कॉर्नर पिलर में बीच में दोनों साइड ही ग्लास लगी हुई है, इसमें प्रॉपर वेंटिलेशन और लाइट इसमें आ रही है इस रूम में। नॉर्थ ईस्ट फेसिंग प्रॉपर्टी है फ्रेंड्स, तो समझ सकते हो लाइट प्रॉपर ही आएगी इसमें, और ये इसका टीवी पैनल हो गया। इसमें आपको काफी बड़े साइज की स्लाइडर वार्डरोब मिल रही है, जो कि ये ऊपर तक इंटैक्ट है, एक बड़ी दिखाना चाहूंगा मैं आपको। यहाँ आप देख पा रहे होगे, यहाँ पे स्टोरेज के लिए सारा कुछ बना हुआ है ये, और देखने में ये भी काफी बेहतरीन सा लग रहा है फ्रेंड्स। इस तरफ भी बनी हुई है स्टोरेज के लिए, यहाँ आप देख पा रहे हो सारे ग्रीन प्लाई का यूज किया गया है इसमें, और इससे अटैच्ड ये फ्रंट बालकनी है, इसमें प्रॉपर काम किया गया है, ग्रेनाइट का मार्बल लगी हुई है, जो कि आप ये देख पा रहे होगे, और ये भी देखने में काफी बेहतरीन सा लग रहा है, जो कि आप ये देख सकते हो।
वुडन क्लाडिंग का काम किया हुआ, लाइटिंग की प्रोविजन दी गई यहाँ पे। ये इसका रैंप एरिया आ गया, 12 मीटर की रोड जा रही है। लोकेशन भी देख सकते, ग्रीनरी भरा पड़ा है, पेड़ काफी लगी हुई है। और फ्रेंड्स इसमें एक वॉशरूम है जो कि इस रूम से अटैच नहीं, कॉमन है इस लॉबी से और इस रूम से। तो ये इसका एक वॉशरूम हो गया, थर्ड वॉशरूम। प्रॉपर इसमें टाइल्स का काम किया हुआ है, यूपीवीसी की विंडोज में दी गई, एग्जॉस्ट की प्रोविजन छोड़ा हुआ है, फॉसिंग का काम इसमें हुआ हुआ है। इस तरफ फ्रेंड्स आपकी कमोट एरिया आ जाएगी, यहाँ पे शावर एरिया है, और इस तरफ जो है यहाँ पे वॉश बेसिन एरिया आ जाएगी जो कि आप देख पा रहे होंगे। लाइटिंग के लिए सारा प्रोविजन यहाँ पे दिया गया है, काफी देखने में अच्छा भी लग रहा है ये। और यहाँ पे सारा प्रॉपर आपको दो बाई इसमें आपको दो बाई चार के टाइल्स का काम किया हुआ है जो कि आप देख सकते हो, और देखने में ये भी काफी अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये हो गया इसका लॉबी, और ये मैंने बताया था आपको लेआउट से, ये हो गया इसका लिविंग एरिया और ड्राइंग रूम एरिया। ये फर्स्ट बेडरूम हो गया, ये किचन एरिया है, ये कॉमन वॉशरूम हो गया, और ये सेकंड बेडरूम, ये मास्टर बेडरूम भी बोल सकते हैं इसको, ये थर्ड बेडरूम हो गया। तो ये था इसका लेआउट फ्रेंड। अच्छा लगा वीडियो प्लीज, इसमें भी चारों फ्लोर अवेलेबल है, प्राइस जो ऑल सारा कुछ मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप चेकआउट कर लेना। अच्छा लगा वीडियो प्लीज फ्रेंड्स, प्लीज 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 चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ऐसा वीडियो मैं लाता रहूंगा आप लोगों के लिए फ्रेंड्स। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।